अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, खैर खैरियत से ही रखे। तो चलें जी एक ज़बरदस्त सी वीडियो देखते हैं, क्यूट सी लड़की के बारे में बात करते हैं। कौन है ये क्यूट सी लड़की आपको बताते हैं। टिकटॉक की दुनिया में कई कपल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि रियल लाइफ कपल भी हैं। उनमें से एक कपल जो है वो रबीका और हसैन तरीन का है, जो कि सबसे छोटा और यंग कपल है। ये टिकटॉक का जोड़ी रियल लाइफ जोड़ी भी है, इसका सबूत ये खुद ही देते रहते हैं एक दूसरे को लव नोट्स भेज भेज कर। आप तमाम के तमाम सबूत दिखाएंगे। हुसैन तरीन अक्सर इनके फैमिली के तमाम इवेंट्स में, अगर कोई बर्थडे बैश हो या कोई भी इवेंट हो, नज़र आते रहते हैं। रबीका भी कम नहीं है, अक्सर फूल तेरे लिए गाने लगाकर जो है वो हुसैन तरीन को जो है वो टैग करती रहती हैं। और हुसैन तरीन की तो बात ही कुछ अलग है, उन्होंने इतने सरप्राइजेस दिए रबीका को कि रबीका की क्यूटनेस के आगे वो सब कम थे। लेकिन आपको वो तमाम के तमाम जो है वो सरप्राइजेस दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। रबीका क्यूट तो बहुत है, लेकिन इनको एक अवार्ड से जब नवाजा गया, जो कि न्यू यंग इमर्जिंग टैलेंट अवार्ड था, उसको लेकर पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो थी वो आग बगोला हो गई। उनका कहना था कि वो कई सालों से जो है इंडस्ट्री में मेहनत कर रही हैं, और ये अवार्ड जो है रबीका को दिया गया और उनको कंसिडर नहीं किया गया। मैं इस बात पर लाइबा खान से एग्री करती हूँ, वो अपने पॉइंट पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रबीका जो है वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो लाइबा और लाइबा जैसी कई लड़कियों और लड़के काफ़ी अर्से से मेहनत करे और उनको कंसिडर नहीं किया जाता, जो कि सच बात है, ये एक हकीकत है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि रबीका जो है वो काशिफ खान की बेटी हैं, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। लेकिन आप क्या कहते हैं, अपना पॉइंट आप भी ज़रूर रखिएगा, आपकी राय जानना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रबीका के लिए एक सेपरेट जो है वो कैटेगरी होनी चाहिए थी, जिनके लिए उनको नॉमिनेट किया जाता। वो टिकटॉक की भी हो सकती थी, वो किसी और भी इंटरटेनमेंट के लिए लिहाज से भी हो सकती थी, कोई भी एक ऐसी कैटेगरी रख देते। तो ये बात वाकई ही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, जो लोग काफ़ी अर्से जो है मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन खैर, अभी तो हम बात ये भी कर रहे हैं कि हुसैन तरीन और रबीका का बॉन्ड आपस में कैसा है, कैसे लगते हैं दोनों आपस में। आजकल तो ये एक रिवाज भी बन गया है कि टिकटॉकर्स जो है वो अपनी बर्थडे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। चाहे आप देख लें कवल और जुलकर नैन को, जन्नत मिर्ज़ा को किस तरह से उमर ने जो है वो सरप्राइजेस दिए, इसी तरह से हुसैन तरीन जो है वो बहुत सारे सरप्राइजेस देते रहते हैं। तो ये जो है वो नो डाउट इन फ्यूचर बहुत जल्दी कपल बनने वाले हैं। हम इनको एज अ कपल जो है वो रियल लाइफ कपल हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये प्यारे प्यारे से नोट्स तो ये अक्सर एक दूसरे को भेजते रहते हैं। पक्का पैगाम कब भेजेंगे हम ज़रूर देखेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।